मंडे और मैं ऑफिस जा रही हूँ एज यूजुअल। आज ऐसा समझ ले बीच में शायद मैंने लास्ट वीक सिर्फ अपनी बर्थडे व्लॉग शूट किया है, उसके अलावा मैंने पूरा वीक शूट नहीं किया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा नॉट वेल, अच्छी तबीयत नहीं थी मेरी बिल्कुल भी और कर ही नहीं पा रही थी, इवन काम नहीं हो पा रहा था ऑफिस में, बस वो सुस्त सी तबीयत थी। डॉक्टर के पास भी गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेल, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। खांसी हल्की फुल्की अभी भी है, वो जाते जाते ही जाएगी इंशाल्लाह, वो भी चली जाएगी इंशाल्लाह। सो आज का दिन शुरू करते हैं भाई, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बहुत बीच में गैप आ गया एक हफ्ते का, बट मैंने आप लोगों को गैप नहीं दिखाया, मैंने अपनी बर्थडे व्लॉग्स जो है वो पहले से ही डाल दिए हैं। उससे पिछले एक दो व्लॉग्स और हैं जो कि मैं आज या कल में इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। और आप लोग सब कैसे हैं, अपनी खैरियत ज़रूर बताइएगा अपने प्यारों के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से हों अपने अपने घरों में। आज से जो है वो बच्चा पार्टी का जो स्कूल्स वगैरह हैं वो कम्प्लीटली ओपन हो गए हैं, तो मैं काफ़ी रोड्स पे भी रश देख रही हूँ, वैन्स वगैरह स्कूल्स की जा रही हैं। बस अल्लाह ताला खैर खैरियत से सब बच्चे जो हैं वो अपना, ख़ास तौर से अब बच्चे तो एक एक बच्चे के पीछे तो टीचर्स भी नहीं हो सकते ना, बस बच्चे अपना खुद से ही ख्याल रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब तो छोटे बच्चों का भी स्कूल जो है वो ऑन हो गया आज से, तो चले भाई शुरू करते हैं आज का दिन, शुरू करते हैं आज की रूटीन और देखते हैं कि आज का मेरा दिन कहाँ कहाँ जाता है। और फिर मिलते हैं आप लोगों से भी छोटी छोटी सी ब्रेक में, मिलते रहेंगे, बने रहेंगे और देखते रहेंगे नींद रूटीन। एंड यस, मेरी बर्थडे विशेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत सारी विशेज मुझे, बहुत सारी दुआएँ मुझे दी, हैप्पी बर्थडे बहुत सारे लोगों ने कहा, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मुझे सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया, मुझे देखने के लिए शुक्रिया, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ऑफिशियल वर्क, एक तो काम थे, गर्मी इतनी थी बस जल्दी जल्दी आई हूँ, काम निपटाया है और अब शाम हो गई है और अब मैं घर जा रही हूँ। आज की रूटीन, काम किया, ऑफिस आए, नाउ गोइंग होम, जो कि मेरा हफ्ते में जो 5 दिन का सेम यही रूटीन होता है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ घर, देखते हैं आगे फर्दर क्या कंटिन्यू करती हूँ मैं। उन्होंने सिर्फ मास्क पहन लिया। तो जनाब घर आ गए हैं और आज कुछ ख़ास शूट नहीं किया था, तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा आज घर जाके शूट कर लूँगी। आज खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया, अम्मी को दाल बना रही हैं अभी अम्मी, जो मूंग की भुनी हुई दाल बनती है ना वो बन रही है। रिमशा से कहा है कि मुझे चाय ला दो यार, मुझे क्या टाइम क्या हो गया, 7 बज गए लेकिन चाय नहीं पी मैंने आज, आज ऑफिस में पत्ती नहीं थी भाई, सुबह से चाय की पत्ती नहीं, ऑफिस में बैठे हुए हो, बाहर भी नहीं जाना हुआ आज मेरा, तो आज समझ ले मैंने सुबह जो घर से एक कप चाय पी के गई हूँ बस वही मैंने पी है और अब मुझे बड़ी तलब हो रही है चाय। एक न्यूज़ जो है वो ज़रूरी ऐलान आ गई, ये भी पता लगा कि हमारे ऑफिस के एक राइडर होते हैं उनको आज टेस्टेड पॉजिटिव आ गया कोरोना,
सो ऑफिस में बड़ी हलचल हलचल सी थी. जिस डिपार्टमेंट में वो बैठे बैठते थे, जिस डिपार्टमेंट से उनका कंसर्न था, उस डिपार्टमेंट की तो समझ जाए सबकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, क्योंकि वो एक हफ्ते से बीमार थे. उनको फिर घर भेज दिया गया कि आप रेस्ट करें, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है, अब नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी इस चीज़ के असरात हैं. आप देखें, जब से ये स्कूल और ये रेस्टोरेंट्स ऑन हुए हैं, ये चीज़ दोबारा से हाईलाइट हो रही है. अगर हम न्यूज़ पे भी देखें या अपने अतराफ़ में भी देखें, आप देखें मेरे ही ऑफिस में एक वो निकल आया. अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको और उनकी वाइफ को. आई गेस शायद पॉजिटिव आया है जब उन्होंने टेस्ट कराया, क्योंकि बुखार नहीं उतरा था काफ़ी दिन से. तो आज जो है वो ये एक अजीब सी खबर सुनने को मिली. अब देखें आगे, अल्लाह मालिक है और बाकी पूरे ऑफिस का, हम सबका क्या होता है. हमने भी करवाना है, या अल्लाह ताला माफ़ करे, बस अल्लाह ताला सब खैर करे. तो मैं यहाँ अपने बेड पे बैठ के आप लोगों से ये बात कर रही हूँ, और अम्मी किचन में. अम्मी तक की खबर गई नहीं है, अम्मी को पता लग गया तो मम्मी ने तो मुझे कल से जो है वो ऑफिस जाना बंद करवा देना है. चाय आ गई भी मेरी. यार कप का और मेरा नेल पेंट का कलर सेम सेम. इलायची का फ्लेवर आ रहा है. गलती से आ गया. मेरी कुलीग है, बाजी बोलते हैं उनको, वो कह रही है मेरे बाल देख के ना, ये जो ये हुए हैं, तूने आज सीधे नहीं किए नीलम. मेरे को बाजी, मैं रोज थोड़ी सीधे करती हूँ, अब हम और मजीद खराब जल जाएंगे मेरे बाल. तो कह रही है कि ना तो तू वो करवा ले जो परमानेंट स्ट्रेट होते हैं. मैंने कहा नहीं भाई, परमानेंट स्ट्रेट मुझे एक जैसा लुक नहीं पसंद कि बस सीधे हो गए और वो ऐसे ही पड़े हैं आपके ऑलवेज. मुझे डिफरेंट लुक पसंद है. कभी मैं ऐसे बांध लेती हूँ, कभी मैं ऐसे कर लेती हूँ, कभी मैं ऐसे कर लेती हूँ, कभी ये मैं इस तरह से बैठ जाती हूँ, कभी स्ट्रेट कर लेती हूँ. तो मुझे एक जैसा लुक नहीं अच्छा लगता. और मुझे अपने इस तरह के जो ये हाफ कर्ल्स जो हेयर है ना, मुझे ये ज़्यादा पसंद है. मैंने उनको भी ये बोला, मैंने कहा बाजी मुझे जो है ना, ये जो ये आप कह रही है ना, ये बम फटा हुआ जो आप कह रही है, मुझे यही पसंद है. मुझे वो इतने बिल्कुल स्ट्रेट लगे हुए, बिल्कुल चिपके हुए, नो दैट्स नॉट माई स्टाइल. अच्छा, मुझे कल इतना कहती रही आप ही ऑयल लगा लो, मैंने नहीं लगाया, इसीलिए थोड़े से ज़्यादा रफ से फील हो रहे हैं. की बॉटल में जो डालते हैं मनी प्लांट की ब्रांचेस, जो मैं कट कर करके बहुत, मेरे घर में बहुत सारी बॉटल हैं जगह जगह. कुछ टाइम तो सही है, फिर आफ्टर सम टाइम ये ख़राब हो रही है. मुरझाए से पत्ते होते हैं ना, ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या वजह है. इतने खिले खिले पत्ते होते थे और अब ये ऐसे हो रहे हैं सारे, पता नहीं. या तो पानी अभी चेंज किया ना कुछ दिन पहले, पानी का भी कोई मसला नहीं है, ऐसा हो गया. इतना प्यारा हुआ करता था ये. चाचू के टीवी की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है कि मैं यहाँ तक सुन पा रही हूँ. चले, मैं थोड़ी सी ईमेल्स रह गई थी, मैंने कहा घर आके भी चेक कर लूँ, चाय पीते पीते वो भी चेक हो गई. आप लैपटॉप बंद कर रही हूँ मैं, बस बहुत काम कर लिया मैंने. कुछ है नहीं तो इंसान क्या करे. काम तो करना है, दुनिया में आए तो काम तो करना है ना, काम के बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती. वो वाला टाइम तो है नहीं कि जनाब 12-12 बजे 12:30 बजे सो के उठ रहे मज़े से, नाश्ता सामने आ रहा है खूब मज़े से, और कोई काम ही नहीं है, बैठे हुए बस मेकअप कर रहे हैं. वो वाला टाइम नहीं है भाई, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लाइफ चलानी पड़ती है, जिंदगी चलानी पड़ती है. कौन आ गया? अच्छा भाई, दाल बन चुकी है तो मैंने कहा थोड़ा सा चला लूँ दाल, और रोटी बनानी है ना. बन चुकी, चूल्हा बंद कर दिया. दाल माशाल्लाह रेडी. कल बनाई थी हमने प्रॉन बिरयानी और आज बनी है दाल. आटा गूंद लिया था रिमशा ने, अब रोटी बनाऊंगी मैं 5-10 मिनट में, बस खाना शाना खाएंगे ताकि फिर.
out again. फैन बंद कर दूँ ना ताकि आवाज क्लियर आए. चलें जनाब फिर एंड करते हैं व्लॉग. अब मैं रोटी शोटी बनाऊंगी, काम खत्म करूं जो थोड़ा बहुत रह गया है. आप लोगों से इंशाल्लाह कल मिलूंगी, यानी ट्यूसडे के व्लॉग में. आज का व्लॉग बस ऐसे ही सिंपल सादा, काम काम काम. मंडे इसी को कहते हैं बेसिकली. आई एम सॉरी मैं ये खाने में लगी हुई हूँ. चलें जनाब फिर व्लॉग एंड करती हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों से मैं कल मिलूंगी यानी ट्यूसडे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह कल मिलेंगे. वीडियो किसी भी रीज़न के लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात करूँगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. अच्छा इसका ठीक से कल जो मेरा बर्थडे व्लॉग गया उसमें ठीक से इसका रिव्यू नहीं कर पाई मैं. ये लेंथ वाइज यहाँ से जो है हम खोल के इसको मैं यहाँ तक भी कर सकती हूँ. इसकी लेंथ कितनी है ऐसी 42 है ना, 42 सेंटीमीटर है आई गेस. पता नहीं भाई को, सोफी को पता है सही से. और इसका जो स्टैंड है वो कुछ इस तरह से है. वो दो तरह की है, वाइट भी है. और यार कैसे ऑन होगा, लाइट्स जो है वो इसकी दो हैं. एक तो ये गोल्डन है, दिस वन इज गोल्डन या वाइट है ये golden. नहीं ये गोल्डन है और प्लस वाइट. दो तरह की इसमें लाइट्स हैं और इसमें जो है वो तीसरी कौन सी, वाओ ये थोड़ी सी लाइट गोल्डन है. अच्छा तीन तरह की इसकी लाइट्स हैं. फिर बंद कर दो. ये इसके बटन्स हैं यहाँ पर जो आप ऑन ऑफ करके और लाइट की शफलिंग भी कर सकते हैं. और दिस वन इज़ पावर बैंक. पावर बैंक से लगता है, कहीं पर भी आप इसको स्टैंड करें अगर स्विच अगर ना हो तो पावर बैंक से आप इसको लगा सकते हैं. और इसमें फिक्स हो जाता है कैमरा. और ये बड़ी कोई कमाल की चीज़ है. इसका रिव्यू कल बर्थडे व्लॉग में ठीक से मैं दे नहीं पाई थी. तीनों लाइट्स मैंने चेक करके देख लिया. दोबारा करना ज़रा 1 2 3. वाइट अगेन, वाइट गोल्डन, लाइट गोल्डन, डार्क गोल्डन, लाइट गोल्डन एंड दिस वन इज वेरी डार्क गोल्डन. वाइट वाली चाहिए मुझे. ये सही है. तो चले ये हो गया हमारा रिंग लाइट का थोड़ा सा जानकारी. अब फाइनली आई एम खत्म कर रही हूँ व्लॉग. आई एम गोइंग रोटी पकाने. चले इंशाल्लाह कल मिलूंगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.